गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीक में हम लोगों ने चैप्टर 10 अ ग्लिम्स ऑफ द ड्रैकुला पढ़ा था और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद चैप्टर 11 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और जो पहला जो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसे समझ भी गए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 100। सारे बच्चे सबसे पहले ऑनलाइन अटेंडेंस बनाइए कमेंट बॉक्स में जा कर के, ठीक है। और अपने साथ पेन पेंसिल नोटबुक्स बुक्स वगैरह पास में रखिए। चैप्टर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, पेज नंबर 100 निकालिए इंग्लिश बुक में। और पेज नंबर 100 आइए दूसरा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कलेक्ट सेंड एंड एक्ट ऑन डेटा दे रिक्वायर फ्रॉम दियर सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स यूजिंग एम्बेडेड सेंसर्स प्रोसेसर्स एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको शॉर्ट में IoT भी कहते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड डिवाइस यानी कि एक साथ बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट किया गया है और उन डिवाइसों के समूह को जो कि क्या करता है, दैट कलेक्ट, जो कलेक्ट करता है, सेंड करता है, भेजता है एंड एक्ट ऑन डेटा दे अक्वायर फ्रॉम दियर सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स यूजिंग एम्बेडेड सेंसर्स प्रोसेसर्स एंड कम्युनिकेशन हार्डवेयर। कम्युनिकेशन हार्डवेयर, सेंसर्स, एम्बेडेड सेंसर्स, प्रोसेसर्स, इन सब की मदद से क्या करता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो डेटा कैच करता है। दीज डिवाइसेज ऑफन नोन एज स्मार्ट डिवाइसेज कैन टॉक टू अदर रिलेटेड डिवाइसेज। इन डिवाइसेस को स्मार्ट डिवाइसेस भी कहा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी डिवाइस होते हैं उससे ये बात कर सकता है, मतलब कनेक्ट करके हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ आप देखते होंगे आपके घर पर स्पीकर वगैरह होगा तो स्पीकर में ब्लूटूथ ऑन करते हैं, स्पीकर को ऑन करते हैं, फिर मोबाइल पर ब्लूटूथ को ऑन करते हैं और जैसे ही हम लोग कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो अपने आप ही उस डिवाइस में बजने लगता है। यानी कि ये हो गया एक तरह से सेंसर पर काम करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मशीन टू मशीन M2M कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस को मशीन टू मशीन यानी कि M2M कम्युनिकेशन कहा जाता है। Devices can then act on the information they get from one another. और ये devices यानी कि दूसरे devices जिससे connected है वो जो information देगा, जो सूचना देगा वही करेगा। Humans can interact with these gadgets to set them up by giving instructions, but the devices can also work on their own without human intervention. मनुष्य इन गैजेट्स के द्वारा भी इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन देने के बाद इस डिवाइस को वो उपयोग में ला सकते हैं, बट द डिवाइस कैन ऑल्सो वर्क ऑन दियर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बिना किसी, अगर हम इन डिवाइसेस को अगर ऑर्डर नहीं देते हैं या अगर प्रोसेस में नहीं लाते हैं तो ये खुद भी वर्क करने लगते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
दिस टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर अ लेवल ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन दैट ह्यूमंस हैव नेवर हैड बिफोर। यानी कि यह टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को अलाउ करता है, ठीक है, जिस जो मनुष्य के पास पहले नहीं था। पीपल कैन मॉनिटर दियर होम्स एंड फैमिलीज रिमोटली टू कीप देम सेफ। लोग अपने आप को और अपने घर को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रहने के रखने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। बिजनेसेस कैन इम्प्रूव प्रोसेसेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस मटेरियल वेस्ट। अगर किसी व्यापार में इसका उपयोग करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। एंड रिड्यूस मटेरियल वेस्ट, या आप किसी फैक्ट्री में किसी बिजनेसमैन को देखते होंगे कि वो बहुत सारे सामान को बर्बाद करते हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी ये डिवाइस, ये तकनीक जो है कम कर सकता है। सेंसर्स इन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प रिड्यूस रोड कंजेशन एंड वार्न अस व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन डेंजर ऑफ क्रम्बलिंग। अगर जैसे आप बराबर, हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में कि आज फलाने जगह का पुल जो है ध्वस्त हो गया, आज फलाने जगह का बिल्डिंग डिमोलिश हो गया, ठीक है, इस तरह से हम कई बार पेपर में पढ़ते रहते हैं। किसी शहर में किसी दूसरे जगह पर कहीं छत गिर जाता है, कहीं पुल गिर जाता है, तो अगर इन सेंसर्स का यूज़ हम उन पुल में, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे तो ये हमें समय समय पर जानकारी देता रहेगा कि अब ये गिरने वाला है या किस पोजीशन में है। गैजेट्स आउट इन द ओपन कैन मॉनिटर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड वार्न अस ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स। ये इन गैजेट्स को अगर हम ओपन में, खुले में उपयोग करें तो इनसे कई प्रकार के चेंजिंग हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, इस पूरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ला सकते हैं। एंड वार्न अस ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर्स, इम्पेंडिंग मीन्स अबाउट हैपन, मीन्स दैट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि आने वाली जो प्राकृतिक जो आपदा होती है उसके बारे में हमें ये बता सकता है। एज IoT बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड द डे इज नॉट फार व्हेन योर स्मार्ट होम will detect that you have fallen asleep and then automatically turn off your TV and lights. आने वाले समय में कई बार क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर TV के सामने TV ऑन करके वो लेट जाते हैं, और अक्सर क्या होता है कि उन्हें नींद आ जाती है और TV चलते रहता है 12, 1, 2, 3, यहाँ तक कि रात रात भर TV चलते रहता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी मदद से TV और लाइट्स, जैसे ही आप सोएंगे तो TV लाइट्स जो है अपने ही आप बंद हो जाएगा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी आगे चल कर के हम देख सकते हैं। एज IoT बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड द डे इज नॉट फार, आज वो दिन दूर नहीं है इस टेक्नोलॉजी के मामले में, व्हेन योर स्मार्ट होम विल डिटेक्ट दैट यू हैव फॉलन अस्लीप, जब आपका स्मार्ट होम, जिस समय आप घर बनाएंगे आपको ये डिवाइस घर में डालना होगा, और जैसे ही आपको नींद आएगी तो वो समझ जाएगा कि द ओनर हैज़ बीन स्लेप्ट एंड इट इज़ द टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड स्विच ऑफ द टर्न ऑफ द TV, ठीक है, एंड लाइट्स। और बिफोर यू स्टार्ट योर डे योर कार विल पुल अप योर वर्क कैलेंडर एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द बेस्ट रूट टू योर मीटिंग। या अगर आप इस डिवाइस का उपयोग अपने कार में करते हैं तो आपका
आपका जो वर्क कैलेंडर है वो भी आपको दिखाएगा कि आपको इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे इस जगह मीटिंग है, इतने बजे इस जगह पर जाना है, और वो आपको स्मार्टली तरीके से वहाँ तक ले जाए। बेस्ट रूट टू योर मीटिंग। और एक जो सबसे अच्छा जो रूट होगा, रास्ता होगा, वो भी आपको बताएगा कि इस रूट पर खतरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज ड्राइवर लेस कार्स, यानी कि ड्राइवर, बिना ड्राइवर वाला कार। यू नीड नॉट टू ब्रिंग अ ड्राइवर इन टू द जॉब। आपको किसी भी ड्राइवर को जॉब में रखने की आवश्यकता नहीं है। ओनली यू नीड टू बाई दिस कार एंड इट विल रन ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको यह कार सिर्फ खरीदना है और यह आप इस पर पीछे बैठ जाइए। एंड यू नीड नॉट टू वॉरी अबाउट ड्राइविंग द कार, इट विल ऑटोमेटिकली ड्रिवन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द फ्यूचर ऑफ कम्यूटिंग। कम्यूटिंग मीन्स होता है ट्रैवलिंग रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि अब खुद चलने वाला, अपने आप चलने वाला कार जो है फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, जिसका हम उपयोग हम फ्यूचर में करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इनटू बिल्डिंग सेफ एंड एफिशिएंट ड्राइवरलेस कार्स। करीब करीब जितने भी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ठीक है, टेक्निकल कंपनीज जो है, उन्होंने काफ़ी समय और ढेर सारा पैसा खर्च किया है इस ड्राइवरलेस कार को बनाने के लिए। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर सच कार्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रूट्स। सिर्फ समय की देर है। ठीक है, कभी भी ये मार्केट में इस प्रकार का कार जो है आ सकता है और आप यह कार जल्द ही अपने रोड पर चलते हुए देखेंगे। अ ड्राइवर्स एरर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट। ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है रोड पर, जो हम अक्सर एक्सीडेंट देखते हैं, उसका वजह जो होता है ड्राइवर होता है, ड्राइवर की गलती, यानी कि ड्राइवर कुछ ना कुछ गलती करता है जिसके वजह से एक्सीडेंट्स होता है। विद एवर राइजिंग ट्रैफिक एंड कॉम्प्लिकेटेड रोड सिस्टम्स एक्सीडेंट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न टुडे। क्योंकि दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, रोड सिस्टम भी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि उलझा हुआ है, और आज जो है हम प्रतिदिन 25-50 एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, कई के बारे में तो हम जान भी नहीं पाते हैं। तो हर दिन जो है एक्सीडेंट्स होता है और इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने और टेक्निकल कंपनीज ने ढेर सारा पैसा रुपये खर्च कर इस ड्राइवरलेस कार को बनाया है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैन बी दी आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सेल्फ इस समस्या का निदान, इस समस्या, इस प्रश्न का हल सेल्फ ड्राइविंग कार ही हो सकता है। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार इस्तेमाल करें तो एक्सीडेंट्स का कोई खतरा नहीं रहेगा। ऑटोनोमस व्हीकल्स विल हैव द एबिलिटी टू अवॉइड पोटेंशियल रोड डिजास्टर्स बाय मैपिंग बिजी रूट्स एंड अवॉइडिंग देम। ऑटोनोमस मतलब एबल टू कंट्रोल इटसेल्फ, जिसको हम हिंदी में स्वचालित भी कहते हैं, अपने आप चलने वाला। तो अपने आप चलने वाले जो गाड़ियाँ होती है विल हैव द एबिलिटी टू अवॉइड। अवॉइड मतलब प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, कोई चीज़ ना होने से बचना। पोटेंशियल रोड डिजास्टर्स यानी कि इसमें वह क्षमता है कि यह रोड डिजास्टर से, रोड एक्सीडेंट से आपको बचा सकता है।
by mapping busy routes and avoiding them. ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो आगे के रूट्स को रूट्स के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा. ठीक है, आपको बताएगा कि आगे जो है बिजी रूट है, इसीलिए उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता लेना चाहिए. दीज कार्स विल नॉट ओनली डी कंजेस्ट रोड्स बट मेक आवर रोड्स अ लॉट सेफर. ये कार है डी कंजेस्ट, मतलब टू मेक समथिंग लेस क्राउडेड. ये कार ऐसे कार हैं जो कि ना ही सिर्फ आपको रोड पर भीड़ भी नहीं लगाएंगे ये कार, बट मेक आवर रोड्स अ लॉट सेफर, बल्कि हम जिस सड़क पर चलते हैं उसको और सुरक्षित बनाएगा. दे आर ऑल्सो लाइकली टू बी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज दे विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वोंट यूज हार्मफुल कार्बन बेस्ड फ्यूल्स. हाँ, इन्हें इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे कार हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है, और इसमें किसी भी प्रकार के कार्बन बेस्ड फ्यूल का यूज़, यानी कि पेट्रोल डीजल जो भी होता है उसका यूज़ जो है नहीं किया जाता है. इट विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली, यह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पर ही चलेगा. एट प्रेजेंट दीज टेक्नोलॉजीज आर टू नेसेंट एंड एक्सपेंसिव फॉर मास कंजम्पशन, बट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर दे विल बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर एवरी डे लाइफ. एट प्रेजेंट, यानी कि आज इस समय ये ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नेसेंट मीन्स नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड, जो अभी तक फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है. एंड एक्सपेंसिव फॉर मास कंजम्पशन, और लोगों के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चीला, या कह सकते हैं कि कीमती है, क्योंकि आम जनता, साधारण जनता जो लोग हैं वो तो उतने ज़्यादा रुपए में नहीं खरीद सकते हैं. बट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर दिस विल बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में ये टेक्नोलॉजीज भी हमारे जीवन का एक हिस्सा, एक अंग बन जाएगा. ठीक है, तो बच्चों ये था कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो कि अभी हमारे पास, हमारे मार्केट में अभी ये सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है. हो सकता है कि आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्षों में ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिले. ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ नीचे में वो कैप्स दिए गए थे जिसे मैंने आपको कहा था आप सभी को मेमोराइज करने के लिए, तो आइए एक बार इसे रिवाइज कर लिया जाए. पेज नंबर 100 से सिरेमिक मीन्स मेड ऑफ क्ले दैट हैज बीन मेड हार्ड बाय हीटिंग, ईंट से बना हुआ. ठीक है, जिसे जब हीट किया गया, जब गर्म किया गया तो और वो हार्डन, यानी कि हार्डर हो गया, पहले से ज़्यादा कठोर बन गया. नेक्स्ट इज सैडल, अ सीट ऑन अ मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल पर जो सीट होता है बैठने वाला, उसे हम सैडल कहते हैं, सैडल SADL. नेक्स्ट इम्पेंडिंग मीन्स अबाउट टू हैपन, यानी कि होने वाला. नेक्स्ट है कम्यूटिंग, ट्रैवलिंग रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगहों के बीच रेगुलरली, यानी कि नियमित तौर पे ट्रैवल करना. जैसे सपोज योर फादर गोज टू ऑफिस डेली, आपके पापा प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं, मीन्स कि उस जगह पर वो रेगुलर जाते हैं, डेली काम का आना जाना है. नेक्स्ट इज ऑटोनोमस,
ऑटोनोमस मीन्स एबल टू कंट्रोल इट सेल्फ, जिसे हिंदी में हम स्वचालित कहते हैं, जो खुद से कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, अवॉइड, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को घटित होने से रोकना। डीकंजेस्ट हेयर टू मेक समथिंग लेस क्राउडेड, मतलब कम भीड़ करना या भीड़ भाड़ को कम करना। नेक्स्ट, नेसेंट, नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित नहीं। ये टेक्नोलॉजीज अभी जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, 3D प्रिंटिंग, दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द थर्ड वन इज ड्राइवरलेस कार्स, ये तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर किया जाए। थिंक एंड आंसर से देखते हैं, पेज नंबर 102। इफ यू कुड चूज एनी वन ऑफ द 3 टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई। अगर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अगर आपको तीनों में से अगर कोई टेक्नोलॉजी चुनने के लिए कहा जाए तो आप इसमें इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी चुनना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, मुझे अगर चुनने के लिए एज फार एज मी इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मैं आई वुड सर्टेनली चूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट वुड बी फाइन फॉर मी एंड माई फैमिली एज वेल। ठीक है, जो कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको सेंसर बता देगा, या आप ड्राइवरलेस कार भी खरीद सकते हैं, लेकिन कार खरीदने के लिए तो ढेर सारा पैसा होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद है वैल्यू बॉक्स, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पीपल विल डिपेंड मोर ऑन मशीन्स देन ऑन ईच अदर। चूँकि यह संसार जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज आर इवेल्यूएटिंग डे बाई डे। ठीक है, दिन प्रतिदिन हमारे पास जो है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि लोग इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर, इन्हीं तकनीक पर जो है निर्भर करने लगेंगे। डू यू थिंक इट इज़ गुड और बैड, क्या आपको लगता है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, चूज अ साइड एंड कमेंट। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये सही है, और अगर इसको इन टेक्नोलॉजीज को ओवर यूज़ किया जाएगा या अगर गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा देन इट कुड कॉज अ डिज़ास्टर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल द लिविंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी वो गैप्स जो दिए गए हैं इसको फिर से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं सारे बच्चों से एक एक करके सुनूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।